लेकिन अगर आपका पहले से कोई कार्ड बना हुआ है ना, आपके पास राशन कार्ड नंबर है, तो आप जो है और आपने जो है अपने फैमिली मेम्बर को उनका नाम को ऐड करने के लिए अप्लाई किया है और आप जो है अपने स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, तो ये नीचे वाला ऑप्शन आपके लिए है। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपको फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू चेक राशन कार्ड स्टेटस। देखो यार, अगर आपने नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या फिर अगर आपका पहले से कोई राशन कार्ड है और आप जो है अपने फैमिली मेम्बर का नाम उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके राशन कार्ड में जो है नाम चढ़ा है या फिर नहीं? तो आप जो है ऑनलाइन खुद से चेक कर सकते हैं अपने राशन कार्ड का स्टेटस कि आपके राशन कार्ड में जो है क्या अपडेट हुआ है। तो चलो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आप खुद से ऑनलाइन अपने राशन कार्ड का जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस बेसिकली अभी जो है मैं आपको झारखंड स्टेट के बारे में बात करूंगा। देखो अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, डजंट मैटर, देखो वेबसाइट अलग हो सकता है लेकिन प्रोसेस जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है ना। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे ब्राउजर में गूगल पे सर्च करो ahar.jharkhand.gov.in। उसके बाद देखो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ऐसा आ गया है, तो इस वेबसाइट पे जो है क्लिक करो और देखो यहाँ पे जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा है लाभुक के कार्ड की जानकारी। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा। इसके अंदर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है हिंदी में, राशन कार्ड विवरण। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने नया कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो ऊपर वाला ऑप्शन आपके लिए होगा। ठीक है, आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज या वार्ड और अपना डीलर और अपना कार्ड टाइप डाल के नीचे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहले से कोई कार्ड बना हुआ है ना, आपके पास राशन कार्ड नंबर है, तो आप जो है और आपने जो है अपने फैमिली मेम्बर को उनका नाम को ऐड करने के लिए अप्लाई किया है और आप जो है अपने स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, तो ये नीचे वाला ऑप्शन आपके लिए है। तो यहाँ पे सिंपली से अपना कार्ड नंबर डाल दो एंड यहाँ पे देखो एक कैप्चा दिया हुआ है, एज इट इज़ यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद सिंपली से यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी मैंने डिटेल डाला है उसका जो है कार्ड होल्डर का नाम और डिटेल सब कुछ आ गया है और उसका सारा फैमिली मेम्बर यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप भी इस तरह डालोगे तो आपका भी यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा और जिसका भी नाम ऐड करने के लिए आपने एप्लीकेशन दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो नाम यहाँ पे ऐड हुआ है या फिर नहीं, है ना। और अगर आपका यहाँ पे कोई गलती है, कोई सुधार करवाना है, तो भी आपने उसके लिए एप्लीकेशन दिया है तो वो भी आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा कि क्या अपडेट आपके राशन कार्ड में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से जो है आप अपने राशन कार्ड का जो है ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देख के काफ़ी मजा आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना और अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का और अगर आपको कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और सिर्फ आपके लिए यहाँ पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।